राजनीति यानी शतरंज की पिसात ऐसा कई दिनों से कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति अगर हम बात करें तो यहां पर भी शीत सत्र के माध्यम से नागपुर में शतरंज की बिसात तो बीत चुकी है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी चालें चल रहा है शीत सत्र का पहला दिन समाप्त हुआ बड़े जोर शोर के साथ में दूसरे दिन का भी आगाज हो चुका है इन विषय के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं मैं हूं रत्नाकर शीत सत्र अधिवेशन की क्या क्या हलचलें हैं हम आज आपके सामने लेके आ रहे हैं पहले दिन का जो आगाज हुआ उसकी क्या क्या लिखा जो कर रहा और आज दूसरे दिन का आगाज किस तरह से हुआ है हम इस पर चर्चा करेंगे मेरे साथ में क्षितिजा क्षितिजा बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज जो है हम विधानसभा के क्षेत्र सत्र 2023 का जो है पूरा एक दिन का जो पहला दिन था उस दिन क्या हुआ इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जी बिल्कुल तो क्षितिजा मुझे बताइए कि कल आप विधान भवन में थी और किस तरह से हलचल किस तरह से शुरुआत हुई और फिर किस तरह से उसमें जो हलचले हुई और क्या क्या घटनाएं वहां पर घड़ी जरा हमारे दर्शकों का बताएं प्लीज बिल्कुल आ, पहले तो पहला दिन तो महाविकास आघाड़ी ने इतना धमाकेदार एंट्री के साथ पहला पहला दिन ये किया है कि की पहला, जो महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जो थे वो सभी एकत्रित आए और पूरे उनके बड़ी संख्या में विधायक जो थे उनके साथ थे और उन्होंने एक जैसे मार्च निकालने के जैसा मतलब किसानों के मुद्दे को लेकर वो उन्होंने दमदार एंट्री की जहां उनके गले संतरे की माला देखी गई साथ ही बैनर देखे गए जिस पर किसानों के विविध समस्याएं यानी मुद्दे जो थे वो लिखे थे और वही नारेबाजी करते हुए पूरे महाविकास आगाड़ी के नेता और विधायक जो है पहले दिन शेष सत्र के जो है विधानसभा में पहुंचे हैं और उसके बाद जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही जगह पर जो है किसानों को किसानों के मुद्दे जो है यहाँ जमकर जो है उठते हुए हमें दिखाई दिए साथ ही साथ जो है अजीत पवार गुट के जो विधायक थे अमोल मिटकरी ये अपने परिवार के साथ वहाँ पहुंचे थे घाट के जो ब... समीर कुनावार भी थे उन्होंने भी अपना एक मुद्दा ले लिया था कि वर्धा में जो जो अस्पताल होने जा रहा है वो हिंगन में हो और उसे भी काल जो है मंजूरी भी जो है उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है और साथ ही साथ नवाब मलिक ने भी काफी कल बटोरी है ये एक अहम मुद्दा है नवाब मलिक का क्योंकि का देखा जाए तो जब उन्हें बेल प्राप्त हुई उनके ऊपर में जो देशद्रोहियों का साथ देने का जो आरोप है उसके बाद नवाब मलिक पहली बार सदन में उपस्थित हुए हालांकि वो बेल पर है और उन्होंने सत्ता पक्ष के आखिरी बेंच पर वो बैठे तो उस पर भी राजनीतिक अटकले जो है काफी गर्म हो गई थी कि क्या नवाब मलिक सत्ता पक्ष में है दर्शकों को हम ये बात यहां पर बताना जरूरी समझते हैं कि इसमें बहुत बड़ा फिर जैसे जैसे दिन ढलता गया और आज सुबह की सुर्खियां इसी तरह से है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार जी को पत्र लिखकर कर कहा कि आप एक बार समीक्षा करें कि क्या हमें मलिक साहब को सत्ता पक्ष में लेने चाहिए या नहीं चाहिए बिल्कुल जिस तरह से उनपे आरोप हुए हैं और जिसके तहत वो जो है जेल में गए थे उसको लेकर जो है डीसीएम द्वारा देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो है कल पत्र लिखा गया अजित पवार को और वहाँ बताया गया कि किसे पक्ष में लेना चाहिए पार्टी में लेना चाहिए ये तो अपना अपना निर्णय होता है लेकिन महायुति के लिए नवाब मलिक क्या ठीक रहेंगे सत्ता में आने के लिए इसलिए ये पत्र लिखा गया था लेकिन जब सभा में जो है सदन में जो ये मुद्दा उठा था विपक्ष की ओर से तब देवेंद्र फडनवीस की ओर से कहीं ना कहीं अपने पार्टी की एक बाजू रखी गई थी अपनी साइड रखी गई थी लेकिन विपक्ष हावी होता देख शाम होते होते जो है देवेंद्र फडनवीस ने ये पत्र अजीत पवार को लिखा और उसमें लिखा गया था कि क्या नवाब मलिक को पार्टी में लेना उचित होगा नहीं होगा हाँ कि जिस तरह से आरोप लगते दिखाई मतलब उन पे लगे हैं और अभी फिलहाल वो अपने बेल पे है और उसके अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो आगे चलकर ये विचार अजित पवार कर सकते हैं ऐसा भी वहाँ लिखा गया है लेकिन आज सुबह जो है अजित पवार गुट के ही अमोल मिटकरी ने सवाल उठाया है कि क्या ये पत्र देवेंद्र फडणवीस ने लोगों के सामने या पूरे जाहिर तौर पर लाना जरूरी था ये भी सवाल उठा है और इस इसे लेकर आज जो है काफी सुर्खिया जो है मुझे लगता है टीवी चान, और यहाँ पर अगली चाल क्या होगी चाहे वो पक्ष की सत्ता पक्ष की हो या विरोधी पक्ष का हो इसका हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जिस तरह से जो विरोधी पक्ष पलटवार करता है तो सत्ता पक्ष उस पर पलटवार करता है फिर ये जो एक जंग है या हम जंग के जंग ये शब्द शायद ठीक नहीं होगा लेकिन ये चर्चाओं का जो दौर है या इस पर जो अपना जो एक रुख जो रखते हैं अपना जो पक्ष रखता है विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा आपने जो बात कही कल का जो आगाज हुआ विरोधी पक्ष ने शुरुआत की किसानों का मुद्दा लेते हुए और कहा कि ये जो सत्ता पक्ष है ये जो सरकार है ये किसान विरोधी है क्या कहेंगे इस पर बिल्कुल जिस तरह से कल एंट्री हुई थी महाविकास आघाड़ी के नेताओं की कहीं ना कहीं ये सदन में मुद्दा जो है किसानों का और मराठा आरक्षण का ये दो मुद्दे जो है इस साल शेष सत्र में गूंज उठने वाले हैं ये तो हम सभी को पता है और अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर क्या निर्णय लेती है और क्या उन्हें जो भी उनकी मांगे है वो पूरी होती है अब ये तो आने वाले शीत सत्र के समाप्ति तक हमें देखने को मिलेगा क्योंकि हर दिन हम देखते हैं कि नए नए अटकले सामने आते हैं नए नए आरोप और प्रत्यारोप होते हुए दिखाई देते हैं क्या मुद्दे हल होते हैं ये भी अब देखने वाली बात होने वाली है इस शीत सत्र के दौरान इसके लिए जो सबसे जरूरी वो ये है कि सदन का जो कामकाज है जो कार्य व्यवस्था है वो दिन भर चले वहां पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष सदन में आकर बैठे सदन में इस पर चर्चा हो सदन में एक एक हम जो कि विधायक डिस्कशन उसके ऊपर में हो दोनों पक्ष के विधायक आपस में जो मेंबर्स हैं वो आपस में चर्चा करें उस पर से कुछ ना कुछ समाज हित के लिए महाराष्ट्र के हित के लिए अगर उसमें से कुछ हो तो मैं समझता हूँ कि सतर्त की बिछा या जो खेल जो है ये अपने चरम की ओर अच्छी तरह से बढ़ेगा आज के मुद्दों की भी अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही जो है तेज हो चुकी हैं एक अहम मुद्दा था शिवसेना के जो जो जिनको ऊपर ऊपर में में तलवार लटक रही है उनके कार्रवाई हो रही है उनकी सुनवाई का तो सुनवाई भी आज सुबह से चालू हो गई है और तेरह तारीख तक का जो समय है तब तक ये कार्रवाई पूरी होने की आसार भी नजर आ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो सुनवाई है ये दिन रात चलने वाली है तो एक समय सीमा जो तय है उसके बीच में ही जो है ये अप, जो आमदार अपत्रता का निर्णय है वो आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है बिल्कुल इसी के साथ जो है मोर्चे भी यहाँ पे शीत सत्र के दौरान जो है दस्तक देने वाले है विधानसभा पर कल भी तीन मोर्चों ने यहाँ दस्तक दी है और आज भी कई मोर्चे जो है दस्तक देने वाले है अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पर लेकिन अब देखना ये होगा कि किन की आ, मांगे पूरी होती है कौन से मुद्दे हल होते हैं ये अब शीत सत्र के दौरान हम बताएंगे ये तो था पूरे पहले दिन का जायजा था आज दूसरे दिन क्या होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे और सभी जानकारी देखने के लिए आप दे बने रहिए हमारे साथ बीसीन पर बीसीएन पर दिन भर जो है और जब तक शीत सत्र चल रहा है आपको पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे, पहुंचाते रहेंगे हमारी संपूर्ण टीम यहां पर है और जो भी शीत सत्र के दौरान जो भी वहां पर कार्यवाही होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे सदन की कार्यवाही किस तरह से होते है वो भी हम उन लोगों को बताने जो युवा वर्ग है उन्हें शायद कई युवा वर्ग ऐसा है जिन्हें सदन की कार्यवाही किस तरह से होती है ये उन्हें नहीं मालूम उससे भी अवगत कराए ताकि एक युवा पीढ़ी जो है वो इस राजनीति

लाते रहेंगे आप बने रहें हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर नमस्कार नमस्कार